Hello kids, welcome to your SST class and I am your teacher and mentor Ananya and I am back with a new chapter of your book that is Jelly Bean Journeys in Social Studies for Class 5 by Brain Root Publications. I hope children you all are doing good and are you ready to start with a new journey of a new lesson? Yes? Okay, so I am excited too and today we are going to start a new lesson that is chapter number 8 and this chapter will teach us about grasslands. Is chapter ko padhne ke baad hum grasslands ke bare mein padhenge. Bachcho, humne padha hai ki earth mein different tarah ke vegetations hote hain. Alag alag regions ke wajah se alag alag tarah ke vegetations jo hain grow karti hain. आज हम कुछ ऐसे एरियाज़ के बारे में पढ़ेंगे जहाँ बड़ी बड़ी ग्रासेस उगती हैं और इन्हें हम स्पेशली ग्रासलैंड्स बोलते हैं. तो आइए लेट्स बिगिन. व्हाट ऑल आर वी गोइंग टू स्टार्ट इन दिस चैप्टर. वी आर गोइंग टू कवर लोकेशन ऑफ दीज प्लेसेस कि ग्रासलैंड्स कहाँ पर लोकेटेड हैं, किस तरह का क्लाइमेट है ग्रासलैंड्स का, ठीक है, वेजिटेशन कैसे पेड़ पौधे ग्रासलैंड्स में अवेलेबल होते हैं, वाइल्ड लाइफ अगर जानवर अवेलेबल हैं तो किस तरह के पशु पक्षी यहाँ पे मिलते हैं हमें देखने के लिए, और लोग यहाँ किस तरीके से सर्वाइव करते हैं. ऑलराइट, यानी लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है. और चैप्टर शुरू करने से पहले देयर इज़ एन एक्सरसाइज गिवन फॉर अस, लेट्स गो टू दिस. एक बार देखते हैं क्या बोल रहे हैं. सम टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस आर गिवन बिलो. अलग अलग तरह के वेजिटेशंस जो है दिए हुए हैं. अमंग द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ वेजिटेशन इज़ फाउंड इन इंडिया द मोस्ट, यानी इंडिया में सबसे ज़्यादा वेजिटेशन कौन सा है. तो इंडिया में जहाँ तक मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा एक तरह से हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधे इंडिया में काफ़ी सारे ही अवेलेबल हो जाते हैं, अलग अलग तरह की वेराइटीज़ अवेलेबल है. तो ये तो ऑलमोस्ट जो है दिस इज़ नॉट अ पार्ट डेजर्ट. हाँ डेजर्ट है इंडिया में, लेकिन सारा एरिया तो डेजर्ट का नहीं है. तो यहाँ पर क्योंकि मोस्ट दे दिया है सो वी विल टेक दिस रीजन, ठीक है. पेड़ पौधे काफ़ी हमें मिलते हैं, तरह तरह के जंगल इंडिया में हैं, इसीलिए हम इसको टिक करेंगे, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. मोस्ट ग्रासलैंड्स लाई इन द टेम्परेट जोन. टेम्परेट जोन का मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में और आर्कटिक सर्कल के बीच में और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एंटार्कटिक सर्कल के बीच में. याद है हमने वर्ल्ड का मैप पढ़ा था, वर्ल्ड मैप भी देखा है और अर्थ के डिफरेंट हीट जोन्स के बारे में भी हमने पढ़ा है. अगर ये अर्थ है तो ये इक्वेटर हुआ 0 डिग्री, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, देन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है और यहाँ पर भी है. सो दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन. ये आर्कटिक सर्कल है और ये एंटार्कटिक सर्कल है, ठीक है. तो ये जो एरिया है इन दोनों के बीच में, ये जो एरिया है यहाँ पर हमें जो है वैरायटी ऑफ ग्रासलैंड्स मिलते हैं, ठीक है. यानी इन एरियाज़ के बीच में ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ पे हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रासलैंड्स मिलेंगे. These grasslands are windy, partly dry regions with grasses. In grasslands में जो है temperature काफ़ी windy रहता है, यानी यहाँ पर हमेशा हवा बहुत तेज़ी से चलती रहती है और यहाँ जो है variety of grasses मिलते हैं. Almost 1/4 of Earth's area land is covered by grassland. और Earth का एक चौथाई हिस्सा जो है grasslands, different grassland से covered रहता है. लोकेशन क्या है, लोकेशन मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है कि द टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ 260.5 डिग्री नॉर्थ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ये रहा ये वाला जो एरिया है, ठीक है. और ऐसे ही साउथ में 23.5 डिग्री साउथ एंड 66.5 डिग्री साउथ, जो ये वाला एरिया है जो मैंने अभी आपको बताया है, ये ग्रासलैंड्स का एरिया है, ठीक है. The grasslands are known by different names in different parts of the world. अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम दिए गए हैं grasslands को. जिस जगह पे जो grassland मिलता है उसका एक special name है. So this is the list. जैसे North America में grasslands को हम prairies बोलते हैं.
साउथ अमेरिका को, साउथ अमेरिका में जो ग्रासलैंड्स है उसको हम पैम्पास बोलते हैं, रशिया में जो ग्रासलैंड्स है उनको हम स्टेप्स बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स बोलते हैं और साउथ अफ्रीका में वेल्ड्स बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रेरीज जो कि नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड्स है उसका एक पिक्चर आपके लिए दिया गया है। ऑलराइट, किस तरीके का क्लाइमेट रहता है यहाँ पे? द टेम्परेचर ऑफ ग्रासलैंड्स एक्सपीरियंस अ ह्यूज डिफरेंस इन टेम्परेचर। द वेदर इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। यहाँ पे जो है टेम्परेचर का वेरिएशन रहता है और ना ही यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। दिस जोन एक्सपीरियंसेस वार्म समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। यहाँ पे जो है वार्म समर्स और कोल्ड विंटर्स रहेंगे। प्रेरीज अ वास्ट स्ट्रेच लैंड आर लोकेटेड इन टेम्परेट जोन। द विंटर्स आर कोल्ड एंड समर्स आर हॉट। यानी प्रेरीज का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड्स हैं। यहाँ पे समर्स जो हैं वो गर्म होते हैं, हॉट होते हैं, और विंटर्स जो है वो कोल्ड होते हैं। मॉडरेट रेनफॉल ऑकर्स मोस्टली इन समर्स। समर्स के दौरान जो है मॉडरेट यानी अच्छी खासी बारिश हो जाती है। देयर इज़ एन ओकेजनल रेनफॉल एंड स्नोफॉल इन विंटर टू। विंटर में भी कभी कभी बारिश और थोड़ी बहुत स्नोफॉल हो जाती है। द क्लाइमेट इज़ नॉट सुइटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ मेनी ट्रीज। यहाँ पे क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव या एनकरेजिंग नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं उग सकते। ग्रासेस ग्रो क्विकली ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन एंड चेंज टू हे बाई ऑटम। ग्रास जो है यहाँ पे स्प्रिंग सीजन में बहुत जल्दी से उगता है और बाद में हे यानी ब्राउन कलर की घास में बदल जाता है ड्यूरिंग द ऑटम सीजन, ठीक है। सी दिस इज द वर्ल्ड मैप। और यहाँ पे एज यू कैन सी ये जो ग्रीन कलर्ड एरियाज हैं ये सब जो हैं ग्रास लैंड्स को शो कर रहे हैं। एज यू कैन सी ऑस्ट्रेलियाज में यहाँ पे डाउन्स हैं, यूरोप में, रशिया में स्टेप्स हैं, अफ्रीका में सवाना वेल्ड है, ठीक है, प्रेरीज, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में पैम्पास। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रासलैंड्स को इस मैप में शो किया गया है। एज पर द लेजेंड द मैप हियर शोज एरियाज कवर्ड बाय ग्रासलैंड्स एंड टुंड्रा। टुंड्रा मीन्स जहाँ पे बहुत ही कम वेजिटेशन उगती है। ऑलराइट, यू विल रीड इन डिटेल अबाउट दिस इन नेक्स्ट टू चैप्टर्स। इसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। किस तरीके का वेजिटेशन यहाँ पे मिलता है? अब जैसा मैंने बताया कि यहाँ बहुत वैरायटी ऑफ पेड़ पौधे तो नहीं उग सकते, बट जो थोड़े बहुत वैरायटी ऑफ पेड़ पौधे हैं आइए उनके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। एज द नेम सजेस्ट ग्रासेस आर डोमिनेंट वेजिटेशन ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड्स। यानी कि ग्रासलैंड नाम से ही हमें पता चलता है कि इस एरिया में ज़्यादातर जो है वैरायटी ऑफ ग्रास उगती है, यानी तरह तरह की घास आपको इस एरिया में देखने के लिए मिलेगी। ग्रासेस आर एबल टू सर्वाइव लॉन्ग पीरियड्स ऑफ नो रेनफॉल। यहाँ पे जो घास है उसके रूट्स भी काफ़ी लंबे लंबे होते हैं और इसीलिए ये बारिश नहीं भी होती है तो भी आराम से उग जाते हैं। दे हैव द एबिलिटी टू सक मॉइस्चर फ्रॉम द सॉयल एंड अडाप्ट टू द क्लाइमेट। जैसे कि डेजर्ट्स में होता है उसी तरह इन ग्रासेस की भी जो जड़ें हैं वो काफ़ी डीप में हैं और ये जो है ग्राउंड वाटर टेबल से मॉइस्चर को सक कर लेती हैं, ठीक है। द सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल। सॉइल यहाँ की बहुत ज़्यादा फर्टाइल या उपजाऊ है, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। दिस मेक्स द ग्रासलैंड द मोस्ट फर्टाइल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। और इसीलिए ग्रासलैंड्स वर्ल्ड के बहुत ही फर्टाइल रीजन्स में से आता है। मेनी टाइप्स ऑफ ग्रासेस लाइक ब्लू ग्रामा ग्रास, बफेलो ग्रास, जॉनसन ग्रास, गैलेट्स एक्सेट्रा, ये सब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। और छोटे छोटे तरह तरह के खूबसूरत फूल भी देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन से फूल हैं? एस्टर्स, ब्लेजिंग स्टार्स, कॉर्न फ्लावर्स, गोल्डन रॉड्स, सनफ्लावर्स, क्लोवर्स, सोरियल्स, वाइल्ड इंडिगोज, ये तरह तरह के जो फ्लावर्स हैं दीज आर ऑल्सो फाउंड इन दिस रीजन। नाउ सी दीज आर एस्टर्स, दीज आर गोल्डन रॉड्स एंड दीज आर सोलेरियाज। ब्यूटिफुल ऑरेंज से बहुत सुंदर सुंदर फूल देखने के लिए मिलते हैं।
अब एक और इम्पॉर्टेंट फन फैक्ट कि ग्रासलैंड्स जो है मोस्टली हमें फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में मिलते हैं, यानी जंगल और डेजर्ट के बीच का जो एरिया है वहाँ आपको ज़्यादातर ग्रासलैंड्स देखने के लिए मिलेंगे। ओके, अब वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ लेते हैं कि यहाँ आपको किस तरीके के जंतु या पशु पक्षी मिलेंगे। डिफरेंट ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड सपोर्ट वेरियस काइंड्स ऑफ एनिमल्स। सम ऑफ द लार्ज एनिमल्स आर फाउंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लाइक कोगुआर, बाइसन एंड ग्रिजली बियर। सम ऑफ द फियर्स एनिमल्स सच एज वुल्व्स आर ऑल्सो फाउंड हियर। यानी वेराइटी ऑफ बड़े बड़े साइज के एनिमल्स आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि घास जो है वो ग्रासलैंड्स में छोटी छोटी नहीं होती। द ग्रास हाइट इज क्वाइट टॉल। पेड़ जितने लंबे लंबे घास ग्रासलैंड्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ आपको काफ़ी सारे एनिमल्स मिलेंगे, जैसे भेड़िए, वुल्फ, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेयर्स, ये सब आपको जो है ग्रासलैंड्स में बहुत ही कॉमनली देखने के लिए मिलेंगे। ओके, एनिमल्स आर रियर्ड ऑन लार्ज ओपन ग्रासलैंड्स कॉल्ड रैंचेस। अब जिन ग्रासलैंड्स में एनिमल्स को रियर किया जाता है या एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाता है उनको हम रैंचेस बोलते हैं। दे आर रियर्ड फॉर देयर मीट एंड प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, बटर एट्सेट्रा। यानी इन एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन किस लिए की जाती है, या तो उनके फ्लैश के लिए की जाती है, मीट के लिए की जाती है, या फिर उनसे जो डेयरी प्रोडक्ट्स यानी मिल्क, बटर, ये सब जो हमें मिलता है उसके लिए की जाती है। शिकागो इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर स्लॉटरिंग एनिमल्स। बिग डेयरी फार्म्स हैव बीन डेवलप्ड, दे हैव मॉडर्न मशीन्स। यानी बड़ी बड़ी डेयरी फार्म्स का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है और इन डेयरी फार्म्स में काम करने के लिए जो मॉडर्न टेक्निक्स के चलते बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स लगाई गई हैं। ऑलराइट, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं ह्यूमन लाइफ के बारे में। लेकिन ह्यूमन लाइफ के बारे में पढ़ने से पहले एक और इंटरप्रिटेशन यानी फैक्ट स्टडी कर लेते हैं। सम एनिमल्स ईट ग्रास सिंस ग्रास इज हार्ड टू डाइजेस्ट, बट दीज एनिमल्स हैव सर्टेन बैक्टीरिया इन देयर गट्स विच हेल्प देम इन डाइजेशन। यूजुअली कुछ एनिमल्स जो हैं ग्रासलैंड्स में घास खाते हैं, क्योंकि ग्रास प्लेंटी में अवेलेबल है, लेकिन घास डाइजेशन करने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन ये एनिमल्स बहुत इजीली इसको कर लेते हैं, क्योंकि इनके गट में यानी इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया होता है जो कि इस ग्रास को इजीली डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ऑलराइट, आइए अब हम ह्यूमन लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, यानी यहाँ जो लोग रहते हैं वो कैसे हैं और किस तरह से ज़िंदगी जीते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड सपोर्ट एक्सटेंसिव फार्मिंग। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फार्मिंग होती है, सॉइल फर्टाइल है तो फार्मिंग होना वेरी नेचुरल। द प्रेरीज हैव बीन वन ऑफ द बिगेस्ट फूड बाउल्स ऑफ द वर्ल्ड। प्रेरीज जो नॉर्थ अमेरिका में हैं, ये वर्ल्ड का फूड बाउल या फूड बास्केट के नाम से जाना जाता है। यानी वर्ल्ड का जो फूड प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक प्रेरीज में हो जाता है। वीट, बार्ले, ओट्स एंड कॉर्न्स कल्टिवेटेड इन प्रेरीज। प्रेरीज में वीट, बार्ले, ओट्स और कॉर्न कल्टिवेट या उगाया जाता है। इंडिविजुअल एग्रीकल्चर फार्म्स आर स्प्रेड ओवर हंड्रेड्स ऑफ एकर्स। दे आर कम्प्लीटली मैकेनाइज्ड, यानी इन फार्म्स में जो काम होता है वो कम्प्लीटली मैकेनिकल मेथड से होता है। मैकेनिकल मेथड मीन्स यहाँ पे सब कुछ मशीन से होता है, हैंड से कुछ भी नहीं होता। ऑलराइट, एंड एग्रीकल्चर जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट या बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर होता है। काउबॉयज ऑन हॉर्सबैक्स इज़ अ कॉमन साइट इन द ग्रासलैंड। ये जो लोग घोड़े पे सवारी कर रहे हैं विद हैट्स एंड ऑल, दीज आर नोन एज काउबॉयज एंड गाउचोज। इन साउथ अमेरिका काउबॉयज को गाउचोज बोलते हैं एंड द फार्म्स आर कॉल्ड एस्टैंशियम्स। ठीक है, साउथ अमेरिका में जो काउबॉयज हैं उनको गाउचोज बोलते हैं और इनके जो फार्म्स हैं, बड़े बड़े जो ग्रासलैंड्स हैं, फार्म्स हैं, इनको हम एस्टैंशियस बोलते हैं। ठीक है, सो चिल्ड्रन विद दिस वी फर्दर मूव टुवर्ड्स द ट्राइबल पीपल हु आर लिविंग इन दीज एरियाज। यहाँ पे जो ट्राइब्स रहते हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ट्राइब्स लाइक खोई खोई, सैन एंड बांतू लिव इन ग्रासलैंड्स ऑफ साउथर्न अफ्रीका एंड किर्गिज, तुर्क एंड मंगोलियन ट्राइब्स इनहेबिट द टेम्परेट रीजन्स ऑफ सेंट्रल एशिया। ठीक है, जो आपका सदर्न अफ्रीका है वहाँ पे हम पहले भी बांतू पीपल के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा खोई खोई और सैन भी रहती है साउथर्न अफ्रीका में, एंड
किर्गिज, तुर्कैन, मंगोलियन ट्राइब्स जो हैं आपके सेंट्रल एशिया के आसपास दिखाई देते हैं, ठीक है। पीपल लिविंग इन द ग्रासलैंड्स आर कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर लाइफस्टाइल विद साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। अब यहाँ जो ग्रासलैंड्स में लोग रहते हैं, जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा है कि दे आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर न्यू इनोवेशंस, वो मशीनरी के थ्रू काम करते हैं, मॉडर्न लाइफस्टाइल जीते हैं, क्योंकि यहाँ वो ट्रेडिशनल पैटर्न नहीं यूज़ करते किसी भी काम में, हर चीज़ में वो टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ के जो लोग हैं ये साइंटिफिकली काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है, टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं और कुछ ना कुछ नई इन्वेंशंस हमेशा करते रहते हैं, ठीक है। क्लाइमेट लार्जली कंट्रोल्स देयर इकोनॉमिक ऑपरेशन, क्लाइमेट का इनके इकोनॉमिक ऑपरेशंस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है, ठीक है। अब हम आते हैं कैटलॉग पे, यानी जो हमने इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी है इस चैप्टर में उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं एक बार और। ग्रासलैंड्स, एरिया इन विच वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय नियरली कंटिन्यूस कवर ऑफ ग्रासेस, यानी एक ऐसा बड़ा सा एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रासेस उगते हैं, ठीक है। प्रेरीज, अ लार्ज ओपन एरिया ऑफ ग्रासलैंड स्पेशली इन नॉर्थ अमेरिका, प्रेरीज के बारे में हमने बहुत सारा पढ़ा, तो प्रेरीज जो है नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड्स को बोलते हैं। स्लॉटरिंग मीन्स द किलिंग ऑफ एनिमल्स एंड सब्सिक्वेंट प्रोसेस ऑफ सच कटिंग एंड फ्रीजिंग, स्लॉटरिंग का मतलब होता है एनिमल्स को फूड के लिए कट करना, मारना और फिर उनके फूड प्रोडक्ट्स को आगे पैक करना या बेचना। एक्सटेंसिव फार्मिंग इज अ फार्मिंग सिस्टम इन विच लार्ज फार्म्स आर बीइंग कल्टिवेटेड विद मॉडरेटली लोअर इनपुट्स दैट इज कैपिटल एंड लेबर, यानी कि कम पैसे में बहुत ज़्यादा खेती करना, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटेंसिव फार्मिंग, बड़े बड़े एरियाज में जो है फार्मिंग करना विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स, ओके। इस चैप्टर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं, लेट्स इज गो ओवर थ्रू दिस पॉइंट्स। सो लेट्स लुक ओवर द ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज प्रेरीज, हमने अलग अलग विश्व के डिफरेंट डिफरेंट ग्रासलैंड्स के नाम पढ़े और प्रेरीज उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड है जिसको हम वर्ल्ड का फूड बाउल या फूड बास्केट भी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड्स आर लोकेटेड इन टेम्परेट जोन ऑफ द वर्ल्ड, ये हम पढ़ चुके हैं, टेम्परेट जोन्स में ही ग्रासलैंड्स मिलते हैं ज़्यादातर, दे रिसीव मॉडरेट रेनफॉल, ठीक है, एंड ग्रासलैंड्स आर होम टू रिच वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे तरह तरह के वन्य जंतु और जीव आपको देखने को मिलते हैं। ऑलराइट चिल्ड्रन, नाउ इट्स टाइम टू मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइजेस, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइजेस, आइए शुरू करते हैं। Choose the correct option. The temperate grasslands experience extreme, no, scanty or moderate rainfall. तो moderate rainfall experience करते हैं। Which of the following is found in temperate grassland region? Cactus, dwarf willow tree, galets and baobab tree. तो आपको जो है grasslands में usually या तो galets मिलेंगे या फिर dwarf willow tree मिलेगा, ठीक है, ड्रॉप फिलो ट्री या गैलेट्स, इनमें से दोनों में से कोई एक चीज़ मिलती है, ओके। थर्ड, डैश इज इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर स्लॉटरिंग एनिमल्स, शिकागो, शिकागो में बहुत ज़्यादा जो है एनिमल्स का प्रोसेसिंग होता है, स्लॉटरिंग होता है। फोर्थ, इन साउथ अमेरिका द काउबॉयज आर कॉल्ड एस्टेंशियाज, गाउचोज, जैक रैबिट्स, कोयोटीज, सो यहाँ पे हम जो है गाउचोज बोलते हैं, ठीक है। चलिए, साउथ अमेरिका में काउबॉयज को कोयोचोज बोलते हैं, गाउचोज बोलते हैं, पिक्चर भी हमने देखी थी। नाउ इट्स टाइम टू डू द फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन, पहला, ग्रासलैंड्स लाई इन टेम्परेट जोन्स, है ना, ग्रासलैंड्स टेम्परेट जोन्स में मिलते हैं, सो टेम्परेट जोन्स, थर्ड, टेम्परेट जोन्स एक्सपीरियंसेस डैश समर एंड डैश विंटर्स, सो हॉट समर एंड कोल्ड विंटर, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रासेस ग्रो क्विकली ड्यूरिंग समर सीजन, समर सीजन में जो है ग्रास क्विकली ग्रो करता है ना, समर सीजन में ग्रासेस ज़्यादा जल्दी जल्दी ग्रो करती हैं। फोर्थ, डैश आर द मोस्ट फियर्स एनिमल फाउंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वुल्फ, ठीक है, वुल्व्स,
फिफ्थ, डैश ऑन हॉर्स बैक्स इज अ कॉमन साइट इन ग्रासलैंड्स, जो घोड़े हैं उनके पीठ पे बैठे हुए जो लोग हैं उनको हम काउबॉयज बोलते हैं, तो काउबॉयज इज अ कॉमन साइट इन ग्रासलैंड्स, ठीक है, काउबॉयज, क्लियर। नाउ लेट्स डू द ट्रू एंड फॉल्स एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज नंबर सी। लेट्स टेक द सेंटेंसेस वन बाय वन, एक एक करके करते हैं इन्हें। द टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन 23.5 degrees एंड 66.5 degrees लैटिट्यूड्स इन बोथ द हेमिस्फेयर, येस इट इज ट्रू, बिल्कुल सही है, दिस इज ट्रू। सेकेंड, वेजिटेशन ऑफ प्रेरीज कंसिस्ट ऑफ वास्ट स्ट्रेच ऑफ फॉरेस्ट्स, नो दिस इज फॉल्स, यहाँ फॉरेस्ट नहीं आना चाहिए, फॉरेस्ट इज अ लॉन्ग रॉन्ग वर्ड, यहाँ बिल्कुल फॉरेस्ट नहीं आएगा, यहाँ पर जो है ग्रासलैंड्स आने चाहिए या फार्म्स आने चाहिए, ओके। थर्ड वन, द सॉइल इज वेरी फर्टाइल इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स, यस इट इज ट्रू, बिल्कुल सही, सॉइल काफ़ी फर्टाइल है ग्रासलैंड्स की। फोर्थ वन, बिग फार्म्स फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स आर नॉट डेवलप्ड इन ग्रासलैंड, दिस इज फॉल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं ग्रासलैंड्स में, सो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट, टेम्परेट ग्रासलैंड्स सपोर्ट एक्सटेंसिव फार्मिंग, यस दिस इज ट्रू, बिल्कुल एक्सटेंसिव फार्मिंग को सपोर्ट करता है। सो आई होप चिल्ड्रन दैट यू हैव नोटेड ऑल द आंसर्स इन योर बुक्स और नोटबुक्स, आपको अच्छे से सारे आंसर समझ में आ गए होंगे एंड यू हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स ड्यूरिंग द सेशन। सो विद दिस वी कम टू एन एंड टू टुडेज सेशन, आई होप that you have enjoyed the session and you now know about the grasslands. आपको पता है कि अलग अलग grasslands को क्या किस नाम से जाना जाता है, grasslands में क्या क्या किस किस तरह के farming होती है, modern techniques के साथ farming होती है, किस तरीके के animals मिलते हैं और यहाँ के लोग किस तरीके का lifestyle adapt करते हैं या किस तरीके से अपना जीवन जीते हैं। So with this children, we end today's session. I hope that you have covered all the topics that were discussed in the class. I will meet you soon again with a new topic where we will know something about Earth in a more interesting and innovative way. So, bye bye and take care. Have a wonderful day ahead.